आई एम वेरी चार्ज्ड अप फॉर श्योर, क्योंकि आज जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो आपने अभी तक किसी से सुनी नहीं है, वो आपने अभी तक कहीं देखी नहीं है। और ये देखने के बाद और अगर आप ये दिखाने लग जाएंगे तो आपके लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू पर बिजनेस करना हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। तो मैं आपको लिए चल रही हूँ एक ऐसी दुनिया में जिसमें आप एक्चुअली आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इस तरह की जानकारी हमारे पास मौजूद भी है। मुझे जरा आप सिर्फ एक सेकंड दीजिए, कुछ पेजेस खोलना चाह रही हूं मैं यहाँ जो मैं आपको दिखा सकूं। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगी अपनी स्क्रीन को दोबारा से आपके साथ शेयर करने की, ताकि जो मैं यहाँ दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको दिखा सकूँ। जब हम थर्ड पार्टी रेफरेंस की बात करते हैं या जब हम कोई प्रूफ देने की बात करते हैं या एविडेंस की बात करते हैं, आजकल हम क्या कहते हैं, गूगल कर लो, देख लो, मिल जाएगा। कुछ चीज नहीं पता होती है तो क्या करते हैं, बोलते हैं गूगल कर लो, पता लग जाएगा। तो अब तक हमने आपको ओमनी एक्टिव से मिलवाया, हमने आपको अपना कुछ लिटरेचर दिया, हमने आपको रोगमुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन किताब से ल्यूटीन और जियाजेंथीन के बारे में बताया। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि आप कैसे गूगल के थ्रू, जी हाँ, कुछ वेबसाइट्स जो बहुत काम की हैं उनके जरिए, उनको यूज करके आप किस तरह से न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में एक बहुत स्ट्रांग एविडेंस खड़ा कर सकते हैं। पहली साइट जो मैं आपको खोल के दिखाना चाह रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप इसका नाम नोट कर लें, मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको कॉपी करके यहाँ चैट में भी डाल सकूं ताकि आप इसको सेव करके रख लें। ये है नाम, मुझे पता नहीं है बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि अगर मैं पता नहीं, मुझे अगर मैं चैट में डालूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सेशन रोक दिया जाए, सो लेट्स नॉट टेक दैट चांस। मैं हम आप लोगों को जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उसके थ्रू ये वेबसाइट्स आपके आप तक हम पहुंचा देंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूं ताकि मैं आपको वो वेबसाइट दिखा सकूं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं। आई होप आई कैन, ये स्क्रीन आपको शायद दिखाई दे रहा हो, अगर दे रहा है तो प्लीज एक बार यस लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको दिखाई दे रहा था वो वाला स्क्रीन। कुलदीप, अगर आप देख रहे हैं तो विल यू प्लीज राइट यस एंड लेट मी नो कि ये दिख रहा है आपको स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन। आई होप दिख ही रहा होगा। सो ये स्क्रीन का नाम है bluelightdefense.com। ये स्क्रीन, ये अगर आप देखें यहां पर लिखा हुआ है व्हाट्स योर ब्लू। ब्लू का मतलब है व्हाट इज योर ब्लू लाइट यूजर एक्सपोजर। ये मैं नेट पर से, गूगल पर से आपको एक साइट दिखा रही हूं, इसमें न्यूट्रीचार्ज का कोई लेना देना नहीं है, ये न्यूट्रीचार्ज द्वारा बनाई हुई साइट भी नहीं है। सो अगर आप देखें यहां पर एक क्विक सर्वे के लिए चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी से अगर न्यूट्रीचार्ज व्यू पे बात कर रहे हैं तो आप उनको भी ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स इन टोटल पर डे डू यू स्पेंड ऑन अ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, वीडियो गेम और टेलीविजन? तो आप एक दिन में कितने घंटे आप लैपटॉप पर रहते हैं और स्मार्टफोन पर रहते हैं और हिंदी वाला और वीडियो गेम खेलते हैं या टेलीविजन देखते हैं? तो टोटल घंटे 0 से 3 घंटे अगर आप रहते हैं तो आपका ब्लू स्कोर लो है, विच इज गुड। अगर आप 8 से 10 घंटे रहते हैं तो आपका ब्लू स्कोर हाई है, और इस वक्त हम सब आई एम श्योर हाई ब्लू स्कोर पर हैं, क्योंकि हम सब इन गैजेट्स को मिला करके 8 से 10 घंटे तो इनके सामने रहते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स पर डे डू यू स्पेंड इनडोर्स अंडर आर्टिफिशियल लाइटिंग, दैट इज CFL और LED? आप आर्टिफिशियल लाइट के नीचे कितने घंटे रहते हैं? इस वक्त तो जो हमने चार महीने पिछले लॉकडाउन में गुजारे और अभी भी बहुत जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है या हम ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजार रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक्सपोजर जो है वो 8 से 10 घंटे तो है ही, तो यहाँ पर भी हम
हाई हमारा ब्लू स्कोर है. हाउ मेनी आवर्स पर डे डू यू स्पेंड एंगेजिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आउटडोर्स, हम बाहर कितना जा रहे हैं? अभी तो बाहर हमें जाना अलाउड ही नहीं है, तो हम 0 से 3 घंटे के बीच में ही बाहर जा रहे हैं. हाउ मेनी आवर्स पर डे डू यू स्पेंड ड्राइविंग बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, ये भी 0 से 3 घंटे ही हो रहा है अभी तो. हाँ, बॉम्बे में रहने वाले कुछ लोग जो दूर से ऑफिस आ रहे हैं वो करीब 4 घंटे के करीब ड्राइव कर रहे हैं. जितना ज्यादा आपका ब्लू स्कोर है उतना ज्यादा यू आर एक्सपोज टू हाई एनर्जी ब्लू लाइट एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन आई हेल्थ. तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपका ब्लू स्कोर ज्यादा है, इस इन दो में ही हमारा ब्लू स्कोर ज्यादा हो गया पहले और दूसरे सवालों में ही, तो इसका मतलब हाई एनर्जी ब्लू लाइट जो नीली किरणें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा तीव्र एनर्जी होती है, तीखी एनर्जी होती है जो सीधा हमारे रेटिना को क्रॉस करके मैक्यूला को हिट कर सकती है. तो करना क्या है, सबसे पहले यहां पर साइट समझा रही है व्हाई इज हाई एनर्जी ब्लू लाइट अ कंसर्न फॉर आई हेल्थ. मतलब ये हाई एनर्जी जो तीव्र क्षमता वाली तीक्ष्ण एनर्जी वाली जो नीली किरणें हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती क्यों है, क्यों नुकसानदायक है. तो ये बता रहा है हाई एनर्जी ब्लू लाइट इज पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. जो लाइट जब हमारे आंखों तक पड़ती है तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है ब्लू लाइट. मोस्ट ऑफ अस नो टू प्रोटेक्ट आवर आईज अगेंस्ट द सन, हम जो है आंखों को अब सूर्य की रोशनी से तो हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं लेकिन हाई एनर्जी ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. और अगर इट बॉम्बार्ड्स आवर आईज डेली, मतलब ये डेली हमारी आंखों को बॉम्बार्ड करती है, आंखों में घुसती है, कहां से? टेलीविजन, टैबलेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, CFL, LED, इवन कार हेडलाइट से भी ये नीली किरणें हमारी आंखों में पहुंच सकती हैं. दे रीच डीप इन टू द आई एंड कैन हार्म द मैक्यूला, ये आंखों के बहुत अंदर तक पहुंचती हैं, मैक्यूला को क्षति पहुंचा सकती हैं. जो मैक्यूला कौन क्या है, द रीजन ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइएस्ट विजुअल एक्विटी एंड शार्पनेस. मैक्यूला आंखों का वो क्षेत्र है जो हमारे साफ देखने के लिए जिम्मेदार होता है, तो उस क्षेत्र तक ये नीली आंखें पहुंचकर उसे हानि पहुंचा सकती हैं बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स को पैदा करके ये नुकसान पहुंचा सकती हैं. शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, छोटे वक्त में इसका क्या इफेक्ट होता है, इट कैन कॉज आई फटीक, आंखें हमारी थक जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, बहुत लंबे समय तक अगर एक्सपोजर हो, इट कैन लीड टू अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन, धीरे धीरे हमारी आंखों की देखने की क्षमता कम हो सकती है. फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, न ये न्यूट्रीचार्ज का लिखा हुआ है, न ये RCM का लिखा हुआ है, ये एक तीसरा सोर्स, रेफरेंस सोर्स एक वेबसाइट है जो गूगल पर अवेलेबल है और उस पे ये डाला गया है. व्हाई डू यू नीड टू सप्लीमेंट विद ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन, तो आपको ल्यूटीन और जियाजेंथीन की जरूरत क्यों है, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में. अगर आप बेटर बिजनेस करना चाहते हैं, ये जो 4 लाइंस हम पढ़ेंगे ये आपके लिए आपके उस डील को सील कर सकती है. ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन आइसोमर्स आर नोन एज मैक्यूलर कैरेटिनॉइड्स. मैक्यूलर मतलब मैक्यूला, तो मैक्यूला के कैरेटिनॉइड्स के नाम से इनको जाना जाता है. दे सपोर्ट आई हेल्थ बाय एक्टिंग एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स. ये दोनों जो हैं ल्यूटीन और जियाजेंथीन बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड फिल्टरिंग हाई एनर्जी ब्लू लाइट. तो ये जो तीव्र गति वाली एनर्जी वाली जो ब्लू लाइट्स हैं उनको फिल्टर करने में मदद करते हैं. दे आर द ओनली कैरेटिनॉइड्स, मतलब ये अकेले ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दैट एक्यूमुलेट इन द मैक्यूला वेयर मोस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्रॉम हाई एनर्जी ब्लू लाइट अकर्स. मतलब सिर्फ यही दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके मैक्यूला में इकट्ठे हो सकते हैं जहां पर ब्लू रेज की वजह से जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा हो गए हैं.
इसका मतलब ये हुआ आप कोई भी और एंटीऑक्सीडेंट खा लेंगे वो आंखों के अंदर मैक्यूला तक घुस ही नहीं पाएंगे और वहां पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। यही दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ल्यूटीन और अजियाजेंथीन जो आपके मैक्यूला में इकट्ठे हो सकते हैं। डायट्री सोर्सेस एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जो लोग आपसे बोले कि मैं तो खाने से ही ठीक कर लूंगा अपने ल्यूटीन और जियाजेंथीन की जो मेरी जरूरत है वो मैं खाने से ही ले लूंगा या ले लूंगी, तो आप उन्हें ये बताएं कि डायट्री सोर्सेस मतलब खाने से भी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जिसमें ल्यूटीन और जियाजेंथीन हो आर क्रूशियल, बहुत जरूरी है, बिकॉज द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दीज कैरोटेनॉइड्स एज सच, क्योंकि हमारा शरीर इन कैरोटेनॉइड्स को इन एंटीऑक्सीडेंट्स को बना ही नहीं सकता है। जब बना नहीं सकता है तो बाहर से ही लेना पड़ेगा और बाहर से लेने के दो सोर्सेस हैं, डाइट और सप्लीमेंट्स। डिस्पाइट देयर इंपॉर्टेंस फॉर आई हेल्थ, द एवरेज यूएस डाइट्री इनटेक, ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, इंडिया में तो डाइट्री इनटेक हमारा जो डाइट हैबिट्स हैं जो हमारे खाने की आदतें हैं वो अमेरिका से 1/4 से भी कम है। जिस तरह का हम खाना हेल्दी खाना जिस तरह का खाते हैं वो वहां से चौथाई है। तो वहां पर डाइट्री इनटेक ऑफ ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन इज फार लो बेनिफिशियल लेवल्स, इज फार बिलो बेनिफिशियल लेवल्स। तो इंडिया का हाल तो बहुत बुरा है। इंसिडेंटली इंडिया पे तो स्टडी ही नहीं हुई है कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन का लेवल क्या मिलता है हमको हमारे खाने से। सप्लीमेंटेशन में भी नेसेसरी लिखा हुआ है, मतलब सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होगा। ये है पहला वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाया एंड आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको आज और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा कि सिर्फ हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ आरसीएम बात नहीं कर रहा है ल्यूटीन और जियाजेंथीन के बारे में, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बात कर रही हैं। तो अगर आप किसी को दिखाएं तो ये वेबसाइट आप दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ क्या लिखा है। अगर एक से संतोष नहीं होता, आइए दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूं एक दूसरी वेबसाइट और कर रही हूं अपनी स्क्रीन को शेयर। ओके, ये है दूसरी वेबसाइट। यहां आप देखेंगे, कंक्लूजन पढ़ते हैं हम इसका। मोस्ट ऑफ द डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हल्के गहरे रंग की हरी सब्जियां होती हैं, previously recommended for a higher intake of lutein and zeaxanthin, जिनसे ये बोला जाता था पहले, जिन बताया गया था कि उनमें lutein और zeaxanthin बहुत होता है, करीब 15 से 47% lutein होता है, मगर zeaxanthin जो है वो 0 to 3% ही होता है, ये स्टडी बोल रही है। आगे अगर आप पढ़ें, द टू मेजर कैरोटेनॉइड्स इन द ह्यूमन मैक्यूला एंड रेटिना आर ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन, दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज जेंथोफिल्स, इनको जेंथोफिल्स बोला जाता है या मैक्यूलर पिगमेंट बोला जाता है। दे आर, एक स्टडी का इन्होंने रेफरेंस दिया है, फाउंड अ फाइव फोल्ड हायर कंटेंट ऑफ दीज कैरेटिनॉइड्स इन द मैक्यूला कंपेयर्ड विद द पेरिफेरल रेटिना, मतलब रेटिना जो बाहर का हिस्सा है आंख का, उसके कंपैरिजन में ल्यूटीन और जियाजेंथीन सबसे ज्यादा कहाँ मौजूद होते हैं, मैक्यूला में। ये स्टडी में का रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये मैक्यूला में जाकर के इकट्ठे होते हैं तो हम ऐसे ही नहीं बता रहे, इसके पीछे रेफरेंसेस हैं। आप आगे देखें तो आपको यहां पर देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कैरोटेनॉइड्स इन ह्यूमन डाइट एंड नॉलेज अबाउट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन, हाउएवर मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स यूज डिड नॉट अलाउ द सेपरेशन ऑफ ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन एंड दे आर टिपिकली रिपोर्टेड एज अ सिंगल ग्रुप। तो अभी तक कोई ये बता ही नहीं पा रहा है कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन को हम एक
ग्रुप की तरह कैसे देखें या अलग अलग करके कैसे देखें। जो न्यूट्रीचार्ज आपको बता पाया है कि 20 mg ल्यूटीन है और 4 mg जियाजेंथीन है। अब मैं आपको लिए चलती हूं एक तीसरी स्टडी पर। ये देखिए 87% इंक्रीज इन सोशल मीडिया यूसेज अमिड लॉकडाउन, इंडियन स्पेंड 4 आवर्स ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप। ये एक बिजनेस टुडे की स्टडी है, 11 अगस्त बिजनेस टुडे की स्टडी की रिपोर्ट है, जिसमें ये लिखा है कि इंडियंस एवरेज इंडियन का टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप पर हो गया है 4 घंटे। ये सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप की बात हो रही है, इसके अलावा ऑफिस की मीटिंग्स, जूम पर मीटिंग्स, स्कूल्स खुल गए हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन हम बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये सब जो है हमारी आई हेल्थ को खराब कर रहा है। ये देखिए, अमिड द लॉकडाउन इंडियंस हैव टर्न टू सोशल मीडिया टू पास देयर टाइम। इन द फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन इंडियंस स्पेंट मोर देन 4 आवर्स एवरी डे ऑन सोशल मीडिया। रोज 4 घंटे हम सोशल मीडिया पे स्पेंड पर लगा रहे हैं। सोशल बिफोर द लॉकडाउन एवरेज कितना था? करीब 150 मिनट, और उससे ये बढ़ के हो गया है 4 घंटे, मतलब हो गया है करीब 240 मिनट। इनफैक्ट 280 मिनट पर डे भी हुआ है, ये सर्वे बता रहा है। तो ये सर्वे मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन में बहुत सारा स्क्रीन के सामने खड़े हैं, हम बहुत ज्यादा स्क्रीन को देख रहे हैं और उनकी ब्लू रेस हमें परेशान कर रही है, तो जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम पक्का स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप यकीन से कह सकें 4 घंटे हम रोज सोशल मीडिया के सामने रहे हैं। यहां पर मैं ऑफिस की जूम कॉल्स और स्कूल की पढ़ाई के बारे में अभी तक बात नहीं की है हमने। अब हम एक और स्टडी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सब के जो लिंक्स हैं, सब वेबसाइट्स के जो लिंक्स हैं, वो मैं आपके साथ में हमारे जितने ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको उनके साथ हम शेयर कर देंगे ताकि आप इन्हें सेव करके रख पाए। आगे वाली स्टडी हम देखते हैं और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये स्टडी है अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की। मुझे यहाँ पर सारी स्टडीज जो है वो यूएस की ही दिखानी पड़ेंगी क्योंकि अभी तक इंडिया में इस तरह की स्टडीज हुई नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए हम यूएस ही रेफरेंस दिख रहे हैं। ये देखिए, ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन नाम का आर्टिकल है, कैटरक्ट्स एंड एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस इन यूएस। का मतलब कि अक्वायर्ड मतलब मांग करके लिया गया अंधापन, मतलब आपने जबरदस्ती लिया है, नेचुरली नहीं हुआ आपके साथ में। कैटरक्ट भी और एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मैक्यूला की जो ताकत है वो कम होने लगती है। तो ये दो जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं अंधेपन के लिए। न्यूट्रिशन इज वन प्रॉमिसिंग वे टू प्रिवेंट और डिले द प्रोग्रेशन ऑफ दीज डिजीजेस। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा तरीका, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग तरीका है कि आप इन चीजों को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या देर तक टाल सकते हैं। टू कैरोटेनॉइड्स, ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन आर एंटीऑक्सीडेंट्स दैट आर लोकेटेड इन द आई। Some studies, several dark green leafy vegetables as well as other foods such as eggs contain these important nutrients. Many studies have shown that lutein and zeaxanthin reduce the risk of chronic eye diseases including AMD and cataract.
मतलब ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन को अगर आपने रेगुलरली ले लिया तो वो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन को कम कर सकती है, कैटरैक्ट को कम कर सकती है या प्रिवेंट कर सकती है। अब आपका दिमाग इसमें चल रहा होगा कि ये बीच की लाइन जो है जिसमें लिखा है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे और अंडे खाएंगे तो ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन मिल जाएगा, मैं आपको बताना चाहती हूं अगर आपको 20 mg ल्यूटीन रोज चाहिए तो आपको सिर्फ 3 किलो गाजर खानी पड़ेगी। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वो भी किसी स्टडी से ली थी हमने। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पालक आता है इसमें, ब्रोकली आती है इसमें। क्वांटिटी फिर से आपको कम से कम 1 किलो से ज्यादा पालक रोजाना, 100 कप से ज्यादा ब्रोकली रोजाना, ये आपको खाना पड़ेगा ताकि आप ल्यूटीन और जियाजेंथिन दोनों पा सकें। अभी एक पहले की स्टडी में हमने देखा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ल्यूटीन तो मिल जाता है मगर जियाजेंथिन नहीं मिलता है, तो ल्यूटीन आपको लेना पड़ेगा किसी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से या गाजर से, और जियाजेंथिन के लिए आपको कुछ और खाना पड़ेगा। इसकी बजाय क्या आसान नहीं है कि 20 mg शुद्ध जीएमओ फ्री मैरीगोल्ड फ्लावर से निकाला हुआ ल्यूटीन और शुद्ध जियाजेंथिन जो बिना किसी मिलावट के आपके पास तक पहुंच जाए और आपको सिर्फ एक कैप्सूल लेना हो या फिर 3 किलो गाजर रोज रोज खाना हो, आप डिसाइड कर लीजिए क्या चीज ज्यादा आसान है। आगे पढ़ते हैं बेनिफिट्स टू आई हेल्थ, ल्यूटीन और जियाजेंथिन का आई हेल्थ पे क्या बेनिफिट है। ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन फिल्टर हार्मफुल आई एनर्जी ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्दी सेल्स इन द आईज। हर रिसर्च पेपर, हर स्टडी, हर वेबसाइट एक ही बात कह रही है कि ल्यूटीन और जियाजेंथिन जो है वो ब्लू रेस को फिल्टर हो करके आपकी आंखों तक, मैक्यूला तक पहुंचाने से बचा सकते हैं। ऑफ द 600 कैरेटिनॉइड्स फाउंड इन नेचर, 600 कैरेटिनॉइड्स आपको सृष्टि में, नेचर में मिलते हैं। ओनली दीज टू आर डिपॉजिटेड इन हाई क्वांटिटीज इन द मैक्यूला ऑफ द आई। 600 में से सिर्फ ये दो, ल्यूटीन और जियाजेंथिन, ऐसे हैं जो आपके मैक्यूला में जमा हो सकते हैं। इससे ज्यादा ऑथेंटिकेशन, इससे ज्यादा फोर्सफुल एविडेंस मुझे नहीं लगता आपको कोई भी और दे पाएगा। The amount of lutein and zeaxanthin in the macular region of the retina is measured as macular pigment optical density. ये MPOD करके एक बायोमार्कर होता है जो ये मेजर करता है कि आपके मैक्यूलर रीजन में कितना ल्यूटीन और जियाजेंथिन, यानी ये मैक्यूलर पिगमेंट्स कितने जमा हैं। Unfortunately, the human body does not naturally make the lutein and zeaxanthin it needs. जितना चाहिए उतना lutein और zeaxanthin हमारी body नहीं बनाती है. That is why eating green vegetables is important. Getting daily amounts of lutein and zeaxanthin through your diet or nutritional supplements can help maintain good health. Sometimes additional supplements may be needed for optimal therapy. बिल्कुल साफ बोला जा रहा है कि खाने के अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पड़ सकती है। अब आइए देखते हैं ल्यूटीन, जियाजेंथिन एंड कैटरैक्ट्स क्या असर होता है। द क्रिस्टलाइन लेंस प्राइमरली कलेक्ट्स एंड फोकसेस, मैं सिर्फ उस उतना एरिया पढ़ना चाहती हूँ वो जो ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन से कंसर्न है। The antioxidants lutein and zeaxanthin likely play a role in preventing cataracts. बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कैटरैक्ट होने से बचा सकता है। एक एविडेंस जो हमारे पास है, हमारे आदरणीय बीसी सर, उन्होंने ये बताया था कि कैटरैक्ट की शुरुआत हुई थी और करीब 2 महीने उन्होंने न्यूट्रीचार्ज व्यू लगातार लिया, उसके बाद वापस जब डॉक्टर को दिखाया तो वो जो शुरुआत हुई थी कैटरैक्ट की, वो कैटरैक्ट खत्म हो गया। तो ये एक बहुत एविडेंस हमारे पास। In fact, a recent study demonstrated that higher dietary intake of lutein and zeaxanthin and vitamin E was associated with a significantly decreased risk of cataract formation. मतलब
ज्यादा ल्यूटीन, जियाजेंथिन और विटामिन ई जब खाया गया, जब लिया गया, तो कैटराक्ट जो है वो बहुत हद तक कम हुआ। और हमारे न्यूट्रीचार्ज व्यू में ल्यूटीन भी है, जियाजेंथिन भी है और विटामिन ई भी है। अब देखते हैं ल्यूटीन और जियाजेंथिन जो है वो उसका एएमडी यानी एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन पर क्या असर होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस दैट ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एएमडी। मतलब उम्र के साथ जो मैक्यूला की जो क्षति होती है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो जो कम होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स बोलते हैं 40 के बाद 45 के बाद तो चश्मा लगेगा ही, वो इसलिए क्योंकि एज रिलेटेड आपका मैक्यूला, उम्र के कारण आपका मैक्यूला जो है वो उस क्षीण हो रहा है। देर इज एन एविडेंस कि इसकी रिस्क जो है ल्यूटीन और जियाजेंथिन अगर आप रेगुलरली लेते रहेंगे तो उम्र के साथ आपका मैक्यूला कमजोर शायद नहीं होगा। द नेशनल इंस्टीट्यूट आई इंस्टीट्यूट फाउंड दैट टेकिंग सर्टन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एवरी डे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लेट एएमडी। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रोज लेने से एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन की रिस्क जो है वो कम हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर फूड्स विद ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देखेंगे आपको आश्चर्य होगा, केल जो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है तो बहुत महंगा होता है, उसकी एक सर्विंग से आपको करीब 23 mg ल्यूटीन मिलता है। मगर रोज ये केल आपको मिलेगा ही नहीं। पालक आपको रोज 1 कप, यहाँ 1 कप का मतलब ये कुक्ड है, कुक पालक का मतलब हुआ करीब 1 किलो पालक जब आप बनाते हैं, कुक करते हैं, तब जाकर के वो 1 कप बनता है। और उसमें से पता नहीं कितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि हीट की वजह से, आंच की वजह से, गर्मी की वजह से, आग की वजह से बहुत सारा न्यूट्रिशन तो नष्ट हो जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि कॉर्न, ग्रीन पीस, ब्रोकली सब में मिलता है लेकिन बहुत कम कम मिलता है। जैसा आपने मैंने कहा, एक ऑरेंज अगर आप खाएंगे तो आपको 0.2 mg मिलेगा। 20 mg तक पहुंचने के लिए कितनी ऑरेंजेस खानी पड़ेंगी? आप 10 खाएंगे तो आप 2 तक पहुंचेंगे। आप into 10, 100 ऑरेंजेस 20 mg तक पहुंचाएगी आपको। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि खाने से जितना ल्यूटीन और जियाजेंथिन चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है सहारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का ही लेना पड़ेगा। और इस तरह से आपको कुछ सवाल जो आ रहे हैं मैं साथ साथ ही जवाब दे दूं। एक सवाल आया था बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को पालक को कैसे खाना है। पालक खाने से आपको उतना लूटीन और जियाजेंथिन मिलेगा नहीं जैसा अभी हमने देखा। आगे बात करते हैं तो किसी ने पूछा था बच्चों के बारे में, तो बच्चों का ऐसा होता है कि ये जो पिगमेंट है बच्चों में डेवलप होता है करीब 12 साल की उम्र के बाद। और जब तक वो डेवलप नहीं होता तब तक नीली किरणें बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकती हैं। तो बच्चों को ल्यूटीन और जियाजेंथिन बिल्कुल दिया जा सकता है। जैसा हमने पहले भी अपने सेशन में कहा, आप न्यूट्रीचार्ज व्यू बच्चों को दीजिए। जैसे ही बच्चे कैप्सूल लेने लायक हो जाए, सॉफ्ट कैप्सूल है, 4, 5, 6, जिस उम्र में बच्चे कैप्सूल लेने लायक हो जाए, आप एक कैप्सूल 2 दिन में एक बार दीजिए। 14 साल की उम्र तक आप 2 दिन में एक बार कैप्सूल दे सकते हैं और 14 साल के बाद आप रोजाना दे सकते हैं। एक और कुछ क्वेश्चन आ रहा था, एज 18 इयर्स। हाँ बिल्कुल, 18 पे तो आप 100% दे सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देखेंगे टू लाइट एक्सपोज, ये सर्वे है, ये सर्वे लॉकडाउन के पहले का है। लॉकडाउन जो हमने हालत की है अपनी आंखों की, उसका आप जरूर आप उसको दिमाग में रखें।
Who needs protection from blue light exposure? We all do. Everyone needs to take precautions against the effects of blue light, whether we work in an office or play in the sun. मतलब बच्चे अगर बाहर सूरज में भी के नीचे खेलने जा रहे हैं, धूप में खेलने जा रहे हैं, तो भी उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए. स्पेंड आवर स्टेयरिंग एट अ कंप्यूटर स्क्रीन. हम लोग सूरज की रोशनी में जब वॉक करने निकलते हैं, सूरज की रोशनी का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली सनलाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, मगर सूरज की किरणें अगर धरती पर पड़ रही हैं तो उसका नीली किरणों का हमारा डैमेज हो रहा है. सो वी आर ऑल एक्सपोज टू ब्लू लाइट. सर्वे देखते हैं. डू यू अग्री दैट इट्स नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट ब्लू लाइट एक्सपोजर? जितना ज्ञान आपके पास है अब, आई एम श्योर आप ये बात समझते हैं कि हमें ब्लू लाइट से अपने आप को बचाना जरूरी है. तो ऑब्वियसली इसका आंसर है अग्री. डू यू ओन वन और मोर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? एक या दो? टीवी दो, होम कंप्यूटर दो, लैपटॉप कितने, स्मार्टफोन कितने, टैबलेट कितने? अगर आप काउंट करने जाएंगे, शायद आपके घरों में एक से ज्यादा टेलीविजन होगा. होम कंप्यूटर शायद अब किसी के घर में ना हो, मगर शायद एक से ज्यादा लैपटॉप हो. मेरे घर में दो लैपटॉप्स हैं. स्मार्टफोन्स, मेरे घर में तीन स्मार्टफोन्स हैं. दो स्मार्टफोन्स तो मैं खुद कैरी करती हूँ. टैबलेट, जी हाँ, घर में एक टैबलेट है. तो ये आपको बताएगा. स्मार्टफोन्स तो मेरे ख्याल से हम सब दो दो कैरी करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा कितना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है. वुड यू से दैट यू आर सराउंडेड बाय एलईडी लाइटिंग, वेदर एट वर्क, इन योर होम और इन योर लेजर एनवायरनमेंट? यस, पूरा दिन काम कर रहे हैं तो लाइट चल रही है, घर में है तो लाइट चल रही है, मैक्सिमम टाइम लाइट चल रही होती है. वुड यू से यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यूरिंग मोर देन 6 आवर्स अ डे? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 6 घंटे से ज्यादा काम में ले रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो हम डेफिनेटली ले रहे हैं. Do you use phone or other devices for leisure time? आप क्या games खेलने के लिए भी use करते हैं? बिल्कुल, game, social media पे जाना भी एक तरह का game है. Facebook check करते हैं, WhatsApp check करते हैं, Instagram check करते हैं, दूसरों की post check करते हैं, बेकार post share करते हैं, फालतू time waste करते हैं, मगर करते हैं. Do you tend to use your phone or laptop before going to bed? Of course, साथ लेके सोते हैं. चलिए ये survey लेते हैं. Agree? Do you own more than one device? Yes. Would you say you are surrounded by LED lighting? Yes. Would you say you are using electronic devices during more than 6 hours a day? Yes. Do you use your phone or other devices for leisure time? Yes. Do you tend to use your phone or laptop before going to bed? Yes. Submit. Exposed, 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 exposed. आप किसी भी से भी बात करें न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में या अपनी आप, तो आप सबसे पहले इस साइट पर जाकर उनको बोलिए चलिए सर्वे लेते हैं, देखते हैं आपकी आंखों की हालत कैसी है. अब जब ये पता चला कि आप एक्सपोज्ड हैं तो करना क्या है, तब आप उन्हें ले जाइए इन सारी स्टडीज पर. ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन की स्टडी जो थी, ये जो हमने आपको बताया लॉकडाउन में क्या सिचुएशन चल रही थी, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो स्टडी थी जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से फ्रूट्स में, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ल्यूटीन और जियाजेंथीन नहीं मिलता है, और ये वाली जो साइट थी जिसमें ये बताया गया कि आपको ये सप्लीमेंट क्यों चाहिए, ल्यूटीन और जियाजेंथीन के सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए. आई एम श्योर आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको दिखाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है. अगर अब भी आपको ये लगता है कि न्यूट्रीचार्ज व्यू को बेचने में या उसके बारे में बात करने में मुझे प्रॉब्लम है, देखिए पिक तो अपने आप जाता है. प्रॉब्लम ये है कि हम बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास नॉलेज ही नहीं है. अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है. तो ये सारी साइट्स मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको अब पता है कि जवाब क्या देना है, आपको अब पता है कि दिखाना क्या है. बहुत सिंपल चीजें हैं. आंखें कमजोर हो रही हैं, ल्यूटीन और जियाजेंथीन चाहिए आंखों को ठीक रखने के लिए. शरीर बना नहीं सकता है, 600 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे नेचर में, मगर सिर्फ ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आंखों में जमा हो सकते हैं, जो हमारे मैक्यूला के थ्रू हमें, हमारी आंखों की रोशनी को सही रख सकते हैं. इतना ही तो बताना है. और सामने वाला पूछे एविडेंस क्या है,
मुझे कैसे पता चलेगा, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? ये सारी साइट्स एविडेंस हैं, आप दिखाइए खोल करके। ये मैंने आपको इसलिए खोल करके दिखाई ताकि आपको इस बात, सिर्फ वेबसाइट का लिंक नहीं भेजा हमने आपको कि ये दिखाइए ये दिखाइए, मैंने यहाँ पर एक-एक साइट खोल के आपको पढ़ पढ़ के इसलिए सुनाई ताकि आप में ये कॉन्फिडेंस आ सके कि ये लिखा हुआ है ये मैं दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते हैं, सामने वाला अगर इंग्लिश जानता है तो बेधड़क बेखौफ दिखाइए आप ये वाली वेबसाइट्स खोल करके। दो और स्टडीज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और मुझे एक सेकेंड जरा इजाजत दीजिए, मैं खोल लूँ उन स्टडीज को। ये स्टडी आप अगर चाहेंगे, थोड़ी सी साइंटिफिक स्टडीज हैं ये, आप चाहेंगे तो आपको, अगर आप मेरे पास रिक्वेस्ट भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो मैं आपको ये स्टडीज भेज दूंगी। ये लास्ट में इसलिए दिखा रही हूं मैं क्योंकि ये थोड़ी सी साइंटिफिक, थोड़ा साइंस ज्यादा है। स्टडी का नाम है मैक्यूलर कैरेटिनॉइड सप्लीमेंटेशन इम्प्रूव। सप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, मतलब किसी आप कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेंगे तो इम्प्रूव होगी आपकी मैक्यूलर कैरेटिनॉइड की स्ट्रेंथ। इट इम्प्रूव्स विजुअल परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी, एडवर्स फिजिकल सिम्टम्स इन दोज विद हाई स्क्रीन टाइम एक्सपोजर। पूरी स्टडी अगर हम ना भी पढ़ पाए, हम इसके कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन, द सिग्निफिकेंट विजुअल एंड फिजिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद रिलेटिवली रीसेंट प्रेसिपिटस इंक्रीज इन द यूज ऑफ डिवाइसेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज जिस तरह से बढ़ा है, दैट नेसेसिटेट नियर फील्ड व्यूइंग ऑफ स्क्रीन इज द रीजन फॉर कंसर्न। क्योंकि हम बहुत ज्यादा पास से अपने मोबाइल यूज करते हैं, एक कंसर्न या एक चिंता का विषय है। द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टडी स्पीक टू सेवरल ऑफ these issues and offer a benign nutrition-based therapy for reducing the incidences. Nutrition-based therapy अगर आप use करेंगे तो ये जो भी आपकी sleep quality है या आपका pigmentation ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजों को reduce कर सकती है। In terms of sleep quality, there are a couple of plausible explanations for the improvements that are seen in these मैक्यूलर कैरेटिनॉइड सप्लीमेंट ग्रुप। मतलब अगर आप मैक्यूलर कैरेटिनॉइड दो ही हैं, ल्यूटीन और जियाजेंथीन, अगर आप इनको लेते रहेंगे तो ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को, क्वालिटी टाइम को नहीं, और ऐसा नहीं है कि ये लेने से आपको नींद आने लग जाएगी, नहीं होगा ऐसा, मगर जब आप सोएंगे तो बेहतर नींद आएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगी। द बॉडी सर्केडियन क्लॉक इज सिग्निफिकेंटली रिफाइंड बाय इनपुट फ्रॉम द ब्लू सेंसिटिव मेलेनोप्सिन सिस्टम। जो आपकी सर्केडियन क्लॉक है, हर बॉडी की एक अपनी एक रिदम होती है, अपनी एक क्लॉक होती है जिसमें हम सोते हैं हम जगते हैं, तो उस क्लॉक को ये सेट करने में मदद करती है। जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ी ज्यादा साइंटिफिक स्टडी है। अगर आप चाहेंगे और आपको लगता है कि इतनी साइंस आप समझ पाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको ये स्टडीज भी भेजना चाहूंगी। सो वर्ल्ड में इतने कम कीमत में आई न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है। ओके गुड जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सो ये आपको, आई एम श्योर आज आपको ऐसा लगा होगा कि अब न्यूट्रिशन व्यू पर बात करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दैट इज वॉट आई फील, और इसी विश्वास के साथ मैंने आपको ये सारी स्टडीज और सारी वेबसाइट्स दिखाई कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल की संख्या काफी कम है, तो या तो मैं ये समझू कि बहुत अच्छी तरह से बात समझा पाई मैं कि आपके पास सवाल ही नहीं बचे, या मैं समझूं कि मैं शायद कुछ भी नहीं समझा पाई कि आपके पास सवाल नहीं बचे, तो मैं चाहूंगी कि मैं यही समझना चाहूंगी कि मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा पाई हूँ कि आपके पास सवाल नहीं है। एक जना लिख रहा है, वाटर इज फॉलिंग एज वेल एज आई एम सफरिंग ड्राइनेस एंड आईज टायर्डनेस, समटाइम गेटिंग हेडेक। आपको न्यूट्रीचार्ज शुरू करना चाहिए रामाश्रय गौतम जी।
ताकि आपकी ये ड्राइनेस और आपका ये कभी कभी सिर दर्द और टायर्डनेस जो है वो कम हो। इसके साथ साथ एक बार जरा एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आई स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए, अपनी आईज टेस्ट करवा लीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आईज आपकी वीक हो रही हो जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो। पता करना जरूरी है। अगर आईज वीक भी हो गई है तो भी प्लीज न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू जरूर कीजिए, दिन में एक बार आपको लेना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छी जानकारी आज मिली होगी जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है, अगर आप बैच दिख रहा है बाय एनी चांस, यस इस पोजीशन में दिख रहा है आत्म इम्यून भारत। जी हाँ, ये होने वाला है हमारा इवेंट जो हो रहा है संडे को 16 अगस्त को सुबह 9 बजे। इसमें हम जो सुबह रोज सुबह जो हम पिछले 100 दिनों से आपकी सेहत आपके हाथ वाला जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी और अपने साथ बहुत सारे लोगों की हेल्थ को बेहतर बना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पा रहे हैं एक्सरसाइज के जरिए, नींद के जरिए और बहुत सारे अच्छे टिप्स के जरिए, मेंटल हेल्थ के जरिए, पॉजिटिव थॉट्स के जरिए। अब हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मिल करके, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मिल करके हम इस कार्यक्रम को और लोगों के पास ले जाएं और लोगों को हम इम्यून बना पाएं। तो इसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पर्सनली लोगों को अपनी तरफ से इनवाइट कर पाएं कि देखिए मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहा हूं, आपको भी आना चाहिए। इस तरह से अगर आप निमंत्रण देना चाहते हैं तो एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव हमने आज सुबह लॉन्च किया है। अब तक आपने बहुत बार सुना होगा कि आप इस कार्यक्रम में आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस बार हमने एक बहुत अनोखा तरीका निकाला है आपके लिए, और वो ई सर्टिफिकेट नहीं है, वो है ई वीडियो। वीडियो ई ही होता है, वो है वीडियो जिसमें आप खुद दिखाई देंगे और आप खुद अपना इनविटेशन, अपना पर्सनल इनविटेशन अपने जानकार लोगों को, आपके फोन बुक में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं सबको भेज सकते हैं कि मैं इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनने जा रहा हूं या बनने जा रही हूं। तो मैं आपको एक झलक उस वीडियो की दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह का दिखेगा वो वीडियो। उस वीडियो में आप भागचंद जी पर नजर रखें, उनका जो क्लिप है उस जगह पर आप आ सकते हैं और इस तरह से वो वीडियो बनकर के आपके पास पहुंच सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैं सेशन खत्म करने से पहले जरूर देकर जाऊंगी। तो आप मुझे जरा सा वक्त दीजिए, मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूं। यस, मास्क 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 मास्क, इसका मास्क, इसका मास्क, तेरा मास्क, कहाँ है वो मास्क, जो कहीं पे है कहीं, इसके पास, उसके पास, तेरे पास, मेरे पास, हम सबके पास है वो मास्क। है वो कौन सा मास्क, जानने के लिए देखिए आत्म इम्यून भारत 16 अगस्त सुबह 9 बजे न्यूट्रीचार्ज के यूट्यूब चैनल पर और न्यूट्रीचार्ज ऑफिशियल पेज पर। तो मिलते हैं 16 अगस्त सुबह 9 बजे। धन्यवाद। एक बार वापस देखते हैं, इन केस आपको बीसी से नजर ना आए हो, दोबारा देखिएगा। मास्क 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 मास्क, इसका मास्क, उसका मास्क, तेरा मास्क, मेरा मास्क, कहाँ है वो मास्क, जो दिखता नहीं पर है कहीं, इसके पास, उसके पास, तेरे पास, मेरे पास, हम सबके पास है वो मास्क। है वो कौन सा मास्क, जानने के लिए देखिए आत्म इम्यून भारत 16 अगस्त सुबह 9 बजे न्यूट्रीचार्ज के यूट्यूब चैनल पर और न्यूट्रीचार्ज ऑफिशियल पेज पर। तो मिलते हैं 16 अगस्त सुबह 9 बजे। धन्यवाद। सोचिए इस तरह का पर्सनल इनवाइट अगर आप सबको भेज पाए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना सा एक्शन करके हमें भेजना है, कहाँ है वो मास्क,
बस, और आपका पर्सनल इनवाइट आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, जो आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको आना चाहिए, ताकि आप उस मास्क के बारे में समझ सकें जो आपके अंदर है, जो आप अंदर बना सकते हैं। अब आपको मिलेगा कैसे? जी हाँ, हम व्हाट्सएप पर इसको प्रमोट कर रहे हैं। एक लिंक है, मैं कोशिश करती हूँ। लिंक टाइप करके भेज सकते हैं कैसे? ओके, मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं लिंक टाइप करके आपको भेज पाई तो इस लिंक पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। ये है लिंक, आपको इस लिंक को क्लिक करना है। इस पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, आपको 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना है, सॉरी 3 सेकंड का, सुबह से डांट खा रही हूँ उसके लिए मैं। 3 सेकंड का वीडियो आपको अपलोड करना है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक्शन करना है, कहाँ है वो मास्क। इससे ज्यादा एक्शन नहीं करना है, इससे कम एक्शन भी नहीं करना, सिर्फ 3 सेकंड का वीडियो डालना है। तो आइए, अब जो कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं उनका हम जवाब देते हैं। हाउ लॉन्ग वन शुड कंटिन्यू टू टेक व्यू? इट इज न्यू टू चार्ज व्यू, इट्स नॉट व्यू, नंबर वन। एंड इज देयर अ टाइम पीरियड फॉर कंजम्पशन? आपने अभी जो स्टडीज देखी प्रवीण जी, आई एम श्योर यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज अ डेली थिंग टू बी डन। हमारी बॉडी में ल्यूटीन और जियाजेंथीन बनते नहीं हैं, और ल्यूटीन और जियाजेंथीन ही दो ऐसे कैरेटिनॉइड्स हैं जो हमारे मैक्यूला में इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपको रोजाना न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना है और बहुत लंबे समय तक लेना है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी, आप जब तक अपनी आंखों को बिल्कुल रोशन रखना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं, कैटरैक्ट से बचे रहना चाहते हैं, तब तक आपको लेना चाहिए। यहाँ रामाश्री जी पूछ रहे हैं, कैन आई टेक ट्वाइस अ डे, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई वुड सजेस्ट प्लीज टेक एटलीस्ट वंस अ डे, एंड डू नॉट ट्राई ओवर डूइंग एनीथिंग। 20 mg ल्यूटीन और 4 mg जियाजेंथीन की आपको रोजाना जरूरत है, आप रोजाना एक कैप्सूल ही लीजिए। इसके बाद हम आते हैं लॉट फॉर्म में वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है सर, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप दोबारा कोशिश कर लीजिए प्लीज। हर्निया के लिए दिया जा सकता है? न्यूट्रीचार्ज व्यू और हर्निया का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा हर्निया में, कोई फायदा भी नहीं होगा हर्निया में। आप डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज व्यू दे सकते हैं, ये सिर्फ आंखों के लिए है, ये कैरेटिनॉइड जाके सिर्फ आंखों में जब आंखों में इकट्ठा होते हैं। किस उम्र से ले सकते हैं? मैंने आपको अभी जवाब दिया, जिस उम्र से बच्चे कैप्सूल खाना शुरू कर दें उससे लेकर के 14 साल तक आप 2 दिन में एक बार दे सकते हैं, और 14 साल से ऊपर आप रोजाना दे सकते हैं। हाउ मच टाइम आई हैव टू टेक इट टू रिड्यूस माई नंबर? बहुत मुश्किल है ये कहना कि कितना वक्त लगेगा नंबर रिड्यूस करने में, साल भर, 1.5 साल, डिपेंड करता है आप का नंबर कितना है, डिपेंड करता है आपकी उम्र कितनी है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा अपनी आंखों का ध्यान रखते हैं, डिपेंड करता है कितनी एक्सरसाइज करते हैं, डिपेंड करता है कितना आंखों को आराम देते हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ये जरूर बता सकती हूँ मैं कि नुकसान नहीं होने वाला है, आपका चश्मे का नंबर बढ़ेगा तो नहीं अगर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू कर दें। साथ ही साथ एक टेस्टिमोनियल के बारे में मैं आपसे बात कर सकती हूँ, वो ये है कि एक बुजुर्ग इंसान से मेरी मुलाकात हुई थी भीलवाड़ा में, उन्होंने उनकी उम्र थी 69 ईयर्स, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 1 साल से लगातार न्यूट्रीचार्ज व्यू ले रहा हूँ और मेरा चश्मा उतर गया है, मैं अखबार अब बिना चश्मे के पढ़ सकता हूँ। उन्होंने उन्होंने मुझे अखबार पढ़ के दिखाया, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि 1 साल लेने पर चश्मा उतर गया अगर, तो हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 1.5 साल लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, ये डिपेंड करेगा आप कितना ध्यान रख पाते हैं। नाश्ते के कितनी देर बाद न्यूट्रीचार्ज ले सकते हैं? आप न्यूट्रीचार्ज व्यू खाने के करीब आधे घंटे बाद ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस शायद मेरे इस पर हैं जो मैं देखना चाह रही हूँ।
हाउ कैन वी प्रिवेंट द आईज ऑफ किड्स बिटवीन 2 to 3 years? अरे ये इसमें तो डेफिनेटली आपको थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना होगा, थोड़ा ज्यादा ग्रीन हरी सब्जियां खिलाइए, थोड़ा ज्यादा फल खिलाइए, मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए, जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही रखिए, आंखों की एक्सरसाइज करना सिखाइए, स्पेशली बच्चों को भी पामिंग सिखाइए ताकि आंखों को रेस्ट मिल सके। बच्चों का एडिक्शन आप ही को रिड्यूस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनके साथ खेलना पड़ेगा, कुछ किताबें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। जिन लोगों को 5 नंबर का चश्मा लग रहा है, कितना देखिए, चश्मा उतरने का टाइम फ्रेम बिल्कुल नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। चश्मे का -8 तो हो गया है, न्यूट्रीचार्ज व्यू करने से उतर सकता है क्या? बताना बहुत मुश्किल है, इतना बता सकती हूँ न्यूट्रीचार्ज व्यू लेने से डैमेज बढ़ेगा नहीं। So, इसी के साथ दिन में लेना है या रात में, आप दिन के खाने के बाद या रात के खाने के बाद जैसा आपको सूट करता हो वैसा आप ले सकते हैं। आई थिंक मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। क्या न्यूट्रीचार्ज व्यू 70 साल के बुजुर्ग को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा, आंखों की रोशनी बेटर ही होने वाली है। क्या शुगर पेशेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें शुगर से कोई किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज, ये मैं अभी सिर्फ न्यूट्रीचार्ज व्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब दे रही हूँ। इज देयर एनी कैटेगरी ऑफ पीपल हु शुड नॉट टेक दिस? न्यूट्रीचार्ज व्यू के लिए ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिन्हें नहीं लेना चाहिए, सभी ले सकते हैं। I'm happy to announce this that NutriCharge View को आप सभी ले सकते हैं दिन में एक बार, लंच या डिनर के आधे घंटे बाद पानी के साथ एक कैप्सूल रोजाना लेना है। जब से बच्चा कैप्सूल लेने लग जाए तब से लेके 14 साल तक 2 दिन में एक बार लेना है, और उसके बाद में 14 साल के बाद रोजाना लेना है एक कैप्सूल, लंबे वक्त तक लीजिए ताकि आपकी आंखें ठीक रहें। So, मैं काफी जवाब, ऑलमोस्ट सारे जवाब आपको दे चुकी हूँ, आप एक बार लेना शुरू करें और उसके बाद आपको असर अपने आप दिखाई देगा। स्टार्टिंग एज में मैं बता चुकी, 5 साल भी बता चुकी, 10 साल भी बता चुकी, दोबारा जवाब नहीं दे पाऊंगी। सेशन खत्म करने का वक्त हो रहा है, तो इसी के साथ आपसे मैं इजाजत चाहती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आज के सेशन का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे अपने आगे के न्यूट्रीचार्ज व्यू के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।